हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अरे नीचे तुम्हारा वो गिर गया। जी राकेश जी, कैसा रहा दुबई? थी एक मिनट, बहुत अच्छा रहा, बहुत रोमांटिक रहा, बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आया। आप मुझे सारे सवाल पूछते हो, कभी आदिल को भी पूछा करो। देश की जनता मुझसे कम, आदिल से ज्यादा सवाल उनके वो जानना चाथी है। क्या हुआ था इस बार हम दुबई गए थे? एक मिनट, चलो बढ़ गए। ये बोले मुझको बुर्ज खलीफा दिलाओ, मेरे को वो दिलाओ, ये दिलाओ, वो गिफ्ट करो, ये गिफ्ट करो। साले तेरे को बुर्ज खलीफा चाहिए क्या? तो फिर इन्होंने कोशिश तो की, वो कार्ड डिक्लाइन हो गया, सॉरी। नेकलेस गिफ्ट किया है जी, बिल्कुल, ये मेरा प्यार है और इनकी तरफ से नेकलेस मुझे बहुत खूबसूरत सा मिला है। ओके, सुनने में आया कि आपने दुबई में घर भी लिया है। हाँ, आदिल मुझ पर इतने फ्लैट है, यू अंडरस्टैंड, मेरे प्यार तो बहुत टाइम हुआ। नहीं, वो नहीं कह रही, मेरे तो वो इतने फ्लैट है, फ्लैट पर फ्लैट गिफ्ट कर रहे हैं। आप दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रही है ऑडियंस। शोना, आई एम इन लव। शोना, तुमने मुझे क्या गिफ्ट दिया? हाँ, तुमने मुझे क्या गिफ्ट दिया? जान, मैंने तुम्हें इतना बड़ा दिल दे दिया और खुद को दे दिया। छोटा दो दिल है। मैंने अपने आप को दे दिया जान, और मैंने इतना बड़ा दिल दे दिया, और क्या चाहिए बताओ? तो सब कुछ मेरा तुम्हारा है, तुम्हारा सब कुछ मेरा है कि नहीं? प्यार में तो यही होता है ना। आप दोनों को साथ में देख सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में आगे? देखिए, वो क्या है ना, हम बहुत सिलेक्टेड है। ऐसा भी नहीं कि मीडिया को सबको दिखाने के लिए कुछ भी कर ले, बहुत सिलेक्टेड है। और मेरा क्या है, मैं तो चलो कुछ भी कर सकती हूँ, आदिल के लिए ऐसा नहीं है। आदिल के लिए ऐसा बहुत सिलेक्टेड, पहली बार काम आएगा ना सिलेक्टेड। अभी भी आदिल के ऊपर एक्टिंग क्लासेस, डांस क्लासेस और सारे क्लासेस ऊपर चालू है, उनके सर आए हुए तो एक दिन जैसे सब सीख जाएंगे ना, तो आदिल आप लोगों को डायलॉग बोल के दिखाएगा, है ना? है ना जानू? डेफिनेटली। आदिल, फर्स्ट डे से लेकर अभी तक क्या चेंजेस दिखा रहे हो? बहुत गुस्से वाली है ये। कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, राखी जैसी है, ऐसी बात। आप मुझसे डबल हो। मैं गुस्सा वाला लगता हूं? नहीं, वो कैमरे के सामने मैं किसी को गुस्सा वाला लगता हूं? मीडिया मुझे पहले से जानती है, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, और वो सब जानती है मुझे। मैं हमेशा 15-20 सालों से मीडिया के सामने, आप अभी तक आए नहीं हो। लेकिन एक सीक्रेट भी है, जो गुस्सा करती है 5 मिनट में बहुत ठंडा हो जाता है, ठंडा भी होती है, जोक्स भी करती है, हंसाती है मुझे इसके बाद। राकेश जी, अभी क्या चेंज आपने देखा फर्स्ट डे से लेकर अब तक? पहले वो साइलेंट थे, आदिल पहले 1000% प्यार करते थे, अभी बोलो मैं पकड़ लो माइक, बोलो। अभी 5000% हो गया है। बस एक बुर्ज खलीफा दिला दे। माइक ही घुसा देता तेरे पे, कुछ कम बता दो। क्या माइक घुसा देते? नहीं, मैं वेट कर रहा था। तुम घुस जाओ। मेरा जवाब सही रहता है, डोंट वरी, डरो मत। आदिल भाई, यानी पहले एक तरफा प्यार था, अभी दो तरफा हो गया ना? राखी जी, कुछ कंप्लेंट है क्या आदिल? नहीं, आदिल मुझसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। पहले आपका जलने वाले जलते रहे, हु केयर्स? लैला मजनू, ये तो इतिहास में है। लैला मजनू, सिरी पराद, इनके बीच में हमेशा तो दुविधाएं, दुश्मन तो आते ही हैं। हमारे प्यार में भी बहुत सारे दुश्मन हैं, बट इतने दुश्मन बढ़ जाओ उतना ही प्यार हमारा एकदम सातवें आसमान पर होगा। ठीक है, आज हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है कि गॉड सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी जनता सपोर्ट कर रही है मुझे। मेरी जनता और गॉड मेरा रिश्ता आदिल से करवा के ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि एक ही राखी सावंत है इस दुनिया में, अगर वो चली गई तो जनता को एक राखी सावंत कहाँ से मिलेगी दोबारा? और एक ही आदिल भाई है। देखा, राखी के लिए। देखा,
राखी के लिए, वो भी सुनो पास दे के जानते हो उधर उधर क्यों खिसक रहे हो, चलो आओ आओ खिसको, जाओ जाओ खिसको खिसको, ये तो एक्शन फिर करेंगे हम दोनों मिलके डिस्को, कुछ मार देगा करके डर रहे हैं मुझे। कौन तू किसको मार, एक्शन करते करते ऐसा लग जाएगा ना, इसलिए मैं थोड़ा दूर, ये आपका काम है, आप करते हो ये सब, मैं नहीं करती एक्शन, आप सीख के आ रहे हो मेरे पे, मत बूम बूम मत करना, ब्रूसली के भाई चूसली मत बन जाना। राखी जी आप दोनों की जोड़ी और प्यार को लोग बहुत सब ये कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कभी नज़र लग जाए, ऐसा डर रहता है कभी? मैं हर पल डरती हूँ, हर रात डरती हूँ, मुझे ज़िंदगी में इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी डरती हूँ, रात को आदिल है सुबह मेरे साथ होगा कि नहीं, वो हमेशा मैं डरती रहती हूँ, हमेशा एक डर में जी रही हूँ, और मैं आदिल के बगैर नहीं जी सकती। ये कैसा डर होता, सवेरे रहेगा या नहीं मीन्स? पता नहीं ना, एक रात को क्या फ़ोन आ जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, ऐसा कैसा होता है जान, क्या होता है ना, कब तुम्हें तुम्हारे घर वाले बुला ले और मैं अकेले रह जाऊँ। ठीक है बुला ले तो घर वाले के पास जाना पड़ेगा, इसलिए तो ये कौन सा डर है, अजीब सा डर है यार तुम्हारा, तो लगता है ना प्यार जो करता, ये कोई डर होता है क्या, फोन आ गए तुम कब चले गए मेरे को पता नहीं, सच्चा प्यार करो ना पता चलेगा, मैं तो सच्चा प्यार करती हूँ आपसे, जिस दिन वो जो खौफ और ये जो डर रहता है ना, आपको तो मालूम है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी छोड़ के, मैं तो तुमसे बेइंतहा प्यार करूं, आप मुझे अभी चुनवा दो, जो आप मेरे को अनारकली को चुनवा दिया था, नहीं 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 चुनवा दिया था, आप मेरे को चुनवा दो आपके प्यार में, तो मुझे चुनवा भी दो, मैं तो हाजिर हूँ। उधर क्यों दिखा रही, उधर चुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, देखो आप समझ रहे हो, तो मेरा तो तुमको पता है कि ये तो मेरी है, कहीं नहीं जाएगी, लेकिन मुझे प्यार करने का मतलब ये नहीं होता डरना, प्यार करने का मतलब होता है विश्वास करना, जो मैं इस पे करता हूँ, मैं क्यों नहीं डरता हूँ, ट्रस्ट विश्वास। राखी जी छोड़ के नहीं जाएंगे? अरे मैं तो ऐसे भी नहीं जाऊंगी यार, मैं तो मेरे को तो मुश्किल से प्यार मिला है जिंदगी में, मुश्किल से, मैं पहली बार बताती हूँ दुनिया वालों कि पहली बार मैंने जीना सीखा है, बाहर घूमना सीखा है, कॉन्फिडेंस मिला है, मैं पहले अमेरिका न्यूयॉर्क कनाडा कभी भी जाती थी फ्लाइट लेके दूसरे दिन वापस आ जाती थी, कहीं घूमती नहीं थी, लेकिन आज मुझे ऐसा साथी मिला है और एक कॉन्फिडेंस मिला है कि इनके साथ मैं बाहर बिजनेस भी कर रही हूँ, मैं बाहर जा भी रही हूँ, घूम रही हूँ, मार्केट में जा रही हूँ, वरना मैं हमेशा थोड़ी डरपोक थी यू नो, कि मेरे हाथ पैर कांपते थे कहीं बाहर जाने के लिए, बिकॉज इज़ माई लव ना, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है बाहर जीने का, मैं असली ज़िंदगी इतने सालों 37 ईयर में अब भी जी रही हूँ, 36 ईयर्स में अब भी जी रही हूँ मैं, तब ये मुझे कहते हैं कि तू अब जी रही है क्या, मैंने कहा हाँ, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ही इज़ वेरी फ्रेंडली, इज़ वेरी बबली, हर जगह मुझे लेके जाते हैं, खाना खाते, क्लब जाते हैं, बुर्ज खलीफा के ऊपर टॉप फ्लोर पे जाती हूँ, हम डिनर करते हैं, ये मेरे लिए गिफ्ट लेते हैं, हम रोमांस करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मेरे लिए गिफ्ट? आपका वॉलपेपर काफ़ी अच्छा है। अरे ये तो वॉलपेपर है भाई, ये वॉलपेपर है, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांसें हैं भाई। उल्टो कैसे, टर्न करो कैसे, इसीलिए कहा मैंने बहुत प्यार है हम दोनों में, बहुत प्यार है एक दूसरे से, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा क्या वॉलपेपर, ये कब का है? बहुत पहले, एक दो तीन महीने पहले जब दुबई गए थे तब का, इधर वॉलपेपर बनाएंगे अभी। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ आदिल से, मैं बहुत प्यार करती हूँ, आप नहीं समझेंगे, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही होता है कि मुझे बहुत खौफ रहता है, मुझे बहुत डर रहता है, देखिए मैं तो प्यार कर बैठी हूँ और हम लोग एक दूसरे के हैं, ये भी मुझसे प्यार करते हैं, कब क्या हो जाए मालूम नहीं, बहुत डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है, मैं तो आदिल के बगैर जी नहीं पाऊँगी दोस्त, मैं नहीं जी पाऊँगी। आदिल भाई हमने राखी से सुना कि आपने उनको बहुत गिफ्ट दिया है, ऐसा कोई स्पेशल गिफ्ट जो राखी साहब ने आपको दिया? नहीं मेरे को बहुत गिफ्ट दिए है ये, वो बता नहीं सकते जी। मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, कैमरे में नहीं बता सकते, और सबसे बड़ी चीज़ तो राखी का दिल है, राखी एक बड़ी गिफ्ट है ना मेरे लिए, मटेरियल तो क्या पैसे देके खरीद सकते हैं, राखी को थोड़ी कर सकते हैं, राखी सबसे बड़ा तोहफा है मेरी जिंदगी में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।
लो।